नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ों को जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जानकारी लेके आया हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारी बातें मैं बाद में करूँगा। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रत्येक तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष वैकेंसी आपके लिए भरपूर लेके आता है, इस बार फिर उसकी जो वैकेंसीज हैं वो चलने लगी हैं। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता क्या है, इसकी वैकेंसीज कैसे आती हैं, इसके पोस्ट कैसे होते हैं, पोस्ट में जो जॉब प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है, सैलरी कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है और उसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगी, सारी तमाम चीज़ें एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो 15 से 20 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत धैर्य से सारी एक एक इंफॉर्मेशन बहुत जो सटीक लेके आता हूं वो आपके लिए यहां पे बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देख पा रहे होंगे, मैं उसका वेबसाइट ही ओपन कर रखा हूं और केवल आपके काम की चीज ओपन कर रखा हूं कि इन्होंने वैसे 2011 में देखा जाए, फिर 2015 में देखा जाए, फिर 2019 में देखा जाए और अब 2022 में इनकी वैकेंसीज ओपन हुई हैं। बहुत सारे पद होते हैं, एक छोटे चपरासी वॉचमैन से लेकर और एक जो आपके ज्वाइंट मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छी स्केल होती है इसमें, आपके टेक्निकल ग्रेड के, इंजीनियरिंग ग्रेड के, उसके बाद आपके नॉन टेक्निकल ग्रेड के, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनो हो गया, क्लर्क हो गया, लगभग कोई भी ऐसा सेगमेंट छूटता नहीं है जो ये विभाग जो वैकेंसी देना, और सब में बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं जो चर्चा कर रहा हूं, ये टोटल लगभग आपके 4500 पदों की चर्चा की जा रही है। 4500 प्लस पद आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपके चार कैटेगरी में पेपर होते हैं, वो चारों ही कैटेगरी कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर के नाम से होता है। सबसे उच्च कैटेगरी कैटेगरी वन बोला जाता है और जो सबसे लोअर पोस्ट होती है वो कैटेगरी फोर में आती है। कैटेगरी वन में आपके जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, AGM और मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे रैंक होती है। कैटेगरी यहाँ पे टू में देखा जाए तो मैनेजर की होती है, मैनेजर आपका टेक्निकल भी होता है, मैनेजर आपका अकाउंट भी होता है, मैनेजर आपका जनरल भी होता है। जैसे आपने देखा होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग हर जिले में जहां पे क्या होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक FCI गोदाम बनवाया जाता है तो उन्हें डिपो बोला जाता है, उन डिपो में भी मैनेजर की पोस्ट होती है और ऐसे ही अन्य भी बहुत जगह यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट। तो जो मैनेजर वाली पोस्ट है वो कौन सी कैटेगरी टू में है, जो आपके ज्वाइंट मैनेजर जो AGM है और मेडिकल ऑफिसर है वो कैटेगरी वन में सबसे उच्च होते हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और उसके बाद कैटेगरी थ्री में जो क्लरिकल ग्रेड की होती है, जैसे बोला जाए AG ग्रेड टू हो गया, AG ग्रेड थ्री हो गया, असिस्टेंट जनरल की बात किया जाए, है ना, तो ये जो आपके AG ग्रेड का हो गया, स्टेनो हो गया, टाइपिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे पद होते हैं इसमें, JEE भी इसी में होता है, अकाउंटेंट का भी इसमें होता है। तो ग्रेड थ्री का जो बोला जाता है, ग्रेड थ्री और ग्रेड टू की बात कर रहा हूं, वो हमारे कैटेगरी थ्री में आते हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी में आती हैं और सबसे आसान पेपर भी इसी में आता है, ये मैं आपको बता दूं। चौथा कैटेगरी जो होता है इसमें वॉचमैन और PN का जो जॉब होती है वो निकलती है। तो ऊपर से अभी इसका कैटेगरी वन का 2021 में ही निकला था करीबन 89 पद के लिए, इसके लिए कैटेगरी टू का जस्ट अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले करीबन 113 पद के लिए निकला है। कैटेगरी थ्री का मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 6/9/2022 को नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा, मतलब 6 सितंबर तक को आपको केवल वेट करना है और सारी जानकारी मैं आज के ही दिन आपको दे रहा हूं। कैटेगरी थ्री में आपके लगभग करीबन 2295 प्लस पद आ रहे हैं, ये आप दिमाग में रखना, और ऐसे ही कैटेगरी फोर में भी लगभग 2100 प्लस पद आ रहे हैं। तो टोटल अगर मिला लिया जाए तो ये 4500 प्लस पद जा रहे हैं फिर से FCI की वैकेंसी में, जिसकी क्लोज हो गई है। और एक सबसे बड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें जो पेपर होता है दो स्टेज में होता है, प्रीलिम्स में होता है और मेंस में, या पेपर फेज वन बोल लो, फेज टू बोल लो। फेज वन में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, अगर इसका ग्रेड कैटेगरी टू की नोटिफिकेशन आ गया है इससे गिन के 2 महीने ले लो, और ठीक ऐसे आपका कैटेगरी थ्री है इससे गिन के 2 महीने ले लो। हालांकि इन्होंने टेंटेटिव दिसंबर बता चुके हैं अगर कैटेगरी टू की बात किया जाए, और ठीक ऐसे कैटेगरी थ्री की भी दिसंबर या अपकमिंग जनवरी 2023 में इसका पेपर हो जाना है, मतलब अगर सितंबर में आपका निकल रहा है तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने आपके पास मिल रहे हैं, दिसंबर में हो सकता है इनिशियल वीक में ही, या हो सकता है अगर लास्ट वीक में जाएंगे तो आपको 3 महीने मिल सकते हैं, वरना 2 महीने मान के चलो। तो आपको 60 से 70 दिन, केवल 60 से 70 दिन आपको पेपर देने को मिलता है फेज वन में। लेकिन होता क्या है, वही आपकी GS होती है, अभी तक GS नहीं होता था, बैंकिंग के हिसाब से पेपर होता था, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए और ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं GS UP SSC के बच्चे हो गए
या यूपी पीएससी के बच्चे हो गए या अन्य बच्चों के जिनकी जीएस थोड़ी स्ट्रांग होती है, एसएससी के बच्चे हो गए, उनके लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। तो जीएस भी 25 क्वेश्चन का 25 25 25 25 का सेगमेंट होता है, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, जीएस होगा और आपका इंग्लिश होगा, तो 25 25 का होगा, एसएससी वाला पैटर्न है। लेकिन इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन भी सेक्शनल होता है, 20 20 मिनट लगभग मिलता है सब में, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये पेपर वन सभी को देना होता है, बहुत आसान होता है और सबके लिए इक्विवेलेंट बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसी वैकेंसी जिसी में होती है जो केवल पेपर वन देने के बाद में ही फिर फेज टू होता है, उसमें भी पेपर वन होता है और इसी में आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। कुछ आपके जो स्पेशल पोस्ट वाले होते हैं, अकाउंट हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया या फिर कोई टेक्निकल पोस्ट हो गया जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह मांगता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक रेस्पेक्टिव पेपर भी देना पड़ता है। तो ये एक छोटी मोटी मैं जानकारी आपको दे दिया हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक चीज में। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसे आप देख सकते हो। हालांकि ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये जो टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको बता दूं। ये आप देख सकते हो कैटेगरी 3 की 30/6/2022 को जो जानकारी प्राप्त है, 30 जून 2022 की प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग कितना है, इसमें 2295 पद है और ये घट बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने का चांस ज्यादा है, घटने का कम है। इससे पहले जब मार्च में एक बार इनके अधियाचन लिया गया था तो ये वैकेंसी करीबन 2500 बताए थे, अब 2295 बता रहे हैं, लेकिन फाइनल वैकेंसी आते आते मे भी इसमें 2300-2400 पद आपके हों। कैटेगरी 3 का है जो सबसे ज्यादा, इसे आप स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा बच्चे इसी की डिमांड करते हैं इसी में। और मैं आपको बता दूं ये जोन वाइज होता है, आपका कैटेगरी 1 जो होता है वो जोन वाइज नहीं होता है, लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 होता है और कैटेगरी 4 ये जोन वाइज होता है। हालांकि कैटेगरी 4 राज्य वाइज होता है, जैसे पंजाब में निकला है, हरियाणा में निकला है, यूपी में निकला है, ऐसा होता है। जो ऐसे राज्य जहां पे क्या होता है, जहां पे खाद्यान्न ज्यादा है, जहां पे एग्रीकल्चर का ज्यादा है, वहां पे वो कैटेगरी 4 वाले ज्यादा पद निकलते हैं, लेकिन कैटेगरी 3 वाले जोन वाइज निकलते हैं। जैसे नॉर्थ जोन दे दिया गया, साउथ जोन दे दिया गया, वेस्ट जोन दे दिया गया, ईस्ट जोन दे दिया गया और नॉर्थ ईस्ट दे दिया गया, जो आपके 7 सिस्टर वाले स्टेट्स हैं उनका दे दिया गया। तो 5 जोन टोटल होते हैं नॉर्थ जोन में आपके, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मैं यूपी वाले ही ज्यादा वो रहते हो, परेशान रहते हो, इसलिए मैं बता दूं, यूपी के साथ जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उसके बाद दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये वाले जो रीजन है ये आपके किस्में थे, इवन राजस्थान, ये नॉर्थ जोन में आते हैं। ऐसे जब आप वेस्ट जोन में आओगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है, ये गुजरात का रीजन आ गया, महाराष्ट्र का रीजन आ गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का रीजन आ गया, ये सारे जो रीजन है ये हमारे क्या आते हैं, वेस्ट रीजन में आते हैं। साउथ रीजन में कौन से आ जाते हैं, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और फिर आपका कर्नाटका हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो राज्य हैं आपके ये आपके साउथ जोन में आते हैं। और आपके जो ईस्ट जोन में है ये बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड, ये राज्य आपके किस में आते हैं, ईस्ट जोन में आते हैं। और ऐसे ही जो 7 सिस्टर वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट जोन में जाते हैं। तो 5 जोन में होता है सबसे ज्यादा वैकेंसी, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ जोन में ही निकलती है, लेकिन आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किसी और जोन में भर सकते हो, एक एप्लीकेंट एक ही जोन में भर सकता है एट अ टाइम। आप आजाद हो, आप चाहो अपने जोन में भरो, आप चाहे किसी दूसरे जोन में भरो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, रेलवे की तरह होता है, ठीक है। तो ये अभी अब मैं पंजाब में बता दूं तो पंजाब में 629 है, हरियाणा में 390 आ रहा है, यूपी का आप देख लो तो 556 आ रहा है। और आप ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये सभी क्या होते हैं, सब नॉर्थ जोन में आते हैं। मतलब अगर वैकेंसी देख लो तो नॉर्थ जोन में ही आपके कितने हो जा रहे हैं, 639001000 इधर हो गए, 1500 इधर हो गए, यानी 1600-1700-2400 में से केवल नॉर्थ जोन में है, जैसा कि मैं आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखो, और इसमें अभी बिहार वगैरह का नहीं है, जैसे ही वो बढ़ेगा तुरंत ही वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो इस बार वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। ये केवल कुछ राज्य के हैं, अभी आप इसमें देखो ना, इसमें बिहार की बात किया गया, ना इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात किया गया, ना असम की बात किया गया है, ना ही इसमें कोई साउथ वाले हैं, ये कायदे से आपके केवल हैं, केवल आपके नॉर्थ जोन वाला ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए किस कैटेगरी का है, यहाँ पे जोन तो नहीं बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से केवल यहाँ पे सारे नॉर्थ जोन ही है, सारे के सारे नॉर्थ जोन ही है। तो नॉर्थ जोन की अगर केवल वैकेंसी 2295 है तो अन्य जोन में और भी होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ये तो मुझे जो जानकारी प्राप्त है, जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से 4500 बता रहा हूं। मे बी साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन सब मिला के बहुत बंपर वैकेंसी आ जाए और वैकेंसी 10000 से पार भी हो सकती है अगर ये केवल नॉर्थ जोन का है तो। हालांकि इसमें है नहीं तो हम यही लेके चलेंगे, केवल नॉर्थ जोन का ही आंकड़ा आपके पास है। ऐसे ही डायरेक्ट वैकेंसी ऑफ कैटेगरी 4, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू, एचपी, दिल्ली, उत्तराखंड और हेडक्वार्टर्स और जोन, ये सारे केवल नॉर्थ जोन की बात कर रहे हैं। मतलब ये आइडिया आप लगा लेना, 10000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है अगर सारे जोन को मिला लिया जाए तो। तो वैकेंसी अब आ गई है समझ में, ये आना चाहिए कि सबसे बड़ी बात इसमें सैलरी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, क्या आपका प्रमोशन होता है, और इन सब के बाद की बात होती है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता दूं, पहली बात तो ये कैटेगरी 1 के लिए है, एक एक कैटेगरी
चीजों में अलग अलग आपको डिफाइन करता जा रहा हूं, अगले 5 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। कैटेगरी 1 में क्या होता है, एजीएम होते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इनके प्रमोशन के बाद आप ज्वाइंट मैनेजर बनते हो, एरिया मैनेजर बनते हो, और वो बहुत उच्च पद होता है, उसमें लाखों की सैलरी होती है और बहुत जबरदस्त पावर होती है, वो सबको घुमा सकता है। और एफसीआई का ज्वाइंट मैनेजर मतलब कि किसी मंत्रालय से कम नहीं है, ये बात आप समझना, बहुत ही उच्च अधिकारी होता है। और ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर होता है। पे स्केल जो होता है जो एजीएम का होता है वो 60,000 से लेकर 180,000 है ना होता है, यानी 1,80,000 तक, और मेडिकल ऑफिसर का जो होता है वो 50,000 से 160,000 होता है, कम होता है। लेकिन इसमें करीबन 35 साल तक मांगता है और इसमें 28 से 30 साल तक मांगता है, ये आपको मैं डिटेल अलग से दे दूंगा। टोटल पोस्ट इसमें कैटेगरी 1 में लगभग 89 पत्ती में यहाँ पे लिखा नहीं हूं। और एलिजिबिलिटी जो इसकी होती है, इसमें आपका क्या होता है कि जो पीजी मांगता है ये मान के चलो, ठीक है ना, या इसमें मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस मांगता है प्लस आपका एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये आपकी ज्यादा मतलब की नहीं है। इसमें आपका मार्क्स एक ही पेपर होता है, 180 मार्क्स का पेपर होता है जो होता है, और फेज टू में होता है जनरल एप्टीट्यूड, और ये 120 और ये टोटल 180 नंबर का ये भी होता है। 60 आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का होता है, डिसिप्लिन का होता है, और 120 जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस और इंग्लिश चारों पूछा जाता है। आपको मतलब यहाँ पे कैटेगरी 2 से है, इसके बारे में आशीष सर ने एक अलग से वीडियो आपको बनाया था। यहाँ पे आपको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप ऐसा मत सोचो कि मैनेजर वाली पोस्ट यार इसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी या कुछ जाएगा या हम नहीं कर सकते, नहीं। आप सारे फॉर्म भरो, सारे फॉर्म की 4 कैटेगरी के 4 फॉर्म भरेंगे। कैटेगरी 1 आपको भरना नहीं है, कैटेगरी 2, 3 और 4 भरना है। कैटेगरी 4 की फीस थोड़ी कम होती है, कैटेगरी 2 और 3 800,000 में होती है, मतलब आपको 2,500 टोटल चारों तीनों पद मिला के देने होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पेपर 1 एक होता है, इसी के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, इसी के आधार पे। 2 फेज में होते हैं, 2 फेज में, फेज 1 में केवल पेपर 1 होता है, फेज 2 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। और पूछता क्या है, इसमें आपका जीएस पूछता है, इसमें आपका इंग्लिश पूछता है, इसमें आपका मैथ्स पूछता है, और इसमें आपका क्या पूछता है, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ये आपका 4 पूछता है। जीएस में भी 5 नंबर करंट अफेयर कंफर्म करके बोलता है कि 5 नंबर करंट अफेयर होगा। और जीएस में भी मैं आगे बताऊंगा कि सबसे आसान है, केवल 3 सब्जेक्ट पूछता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ना पॉलिटी पूछता है, ना आपको कुछ कहीं राज्य का कोई जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल आप करंट तैयार करो, हिस्ट्री तैयार करो, ज्योग्राफी तैयार करो और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। जीएस में 25 में 25 आ जाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। तो इसका मैनेजर जो होता है, इसमें पोस्ट मैनेजर की होती है, पे स्केल 40,000 से 1,40,000 होता है, टोटल पोस्ट इसके 113 आए हैं, और ये सारी डिटेल आपको आशीष सर दिए, वो वीडियो अच्छे से देख लो। मैं आपको बता दूं आपको इसमें सिलेक्शन लेना कैसे है। इसके सिलेक्शन लेने के लिए 3 चरण होते हैं। एक चरण आपका क्या होगा, आपका रिटन पेपर होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, इवन आपकी टाइपिंग वगैरह जो स्टेनो और टाइपिंग के भी पद होंगे आगे चल के कैटेगरी 3 में मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपका स्टेनो भी कंप्यूटर पे ही देना है, और इवन आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा, एसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, वो भी आपका ट्रांसलेशन, वो भी आपको कंप्यूटर पे ही देना है। तो इसमें पेन पेपर का कोई बेस नहीं है, केवल कंप्यूटर, ये बात ध्यान में रखना। अब देखना ग्रेजुएशन, ये केवल कैटेगरी ए बी सी है, कैटेगरी 2 की बात कर रहे हैं, कैटेगरी 2 में जनरल मैनेजर की बात करता है, जनरल मैनेजर में केवल ग्रेजुएशन मांगता है, और इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 1 पेपर देना होता है, 2 फेज में पेपर होगा, फेज 1 में केवल पेपर 1 होगा। मैं आपको बता दूं सारे एग्जाम 2 फेज में होंगे, फेज 1 है ना, फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। अब होता क्या है, फेज 1 केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन द सेंस मेरिट तो बनती है, लेकिन इसमें आपके मेरिट में मार्क्स जुड़ते नहीं है, है ना। आप अगर इसमें आप क्लियर कर गए, आप कट ऑफ क्लियर कर गए, तो आप क्या कर जाओगे, आप फेज 2 दोगे और उसके आधार पे आपका इवैल्यूएशन होता है। इसके जो कट ऑफ जाते हैं, मैं आपको बता दूं, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर में आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 65 से लेके 75 के बीच में वेरी करता है। इस बार अगर वैकेंसी ज्यादा आ गई तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा कम भी जाए, तो ये बहुत आसान भी होता है लाना। बाकी फेज 2 होता है, इसमें फिर से पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1 होता है और क्या होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 क्या होता है, मैक्सिमम पोस्ट के लिए कॉमन होता है। आप देखो पेपर 1 इसमें ग्रेजुएशन वाले जो जनरल मैनेजर हैं, ये जीएमपी की पोस्ट होती है, और उसके बाद आपका टेक्निकल और अकाउंट पोस्ट होती है, तो उसमें अकाउंट वाले में बीकॉम मांगता है और टेक्निकल वाले में आपका क्या होता है, बीटेक हो, आप बीएससी एग्रीकल्चर से हो, है ना, बीकॉम प्लस एमबीए होता है, ध्यान देना, किसके लिए, मैनेजर के लिए होता है। और अगर आप इसमें देखोगे टेक्निकल में, तो इसमें टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल होता है और अकाउंटेंट का होता है, और एक अलग से पोस्ट होती है हिंदी का मैनेजर। हिंदी मैनेजर में पीजी आपको हिंदी या इंग्लिश से चाहिए होती है, इसकी डिटेल आपको अलग से आशीष सर ने बताया है। तो इसमें पेपर 2 होता है, पेपर 1 कॉमन होता है सभी में वही, और यहाँ पे देखना पेपर 1 यहाँ पे 100 का होता है, इसमें पेपर 1 क्या हो जाता है, 120 मार्क्स का हो जाता है, 120 नंबर हो जाता है, 120 क्वेश्चन हो जाता है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी आप सुनते चलो। और जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 60 क्वेश्चन का होता है,
और 120 नंबर का होता है। इसमें आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछा जाता है, अकाउंट वाले से बीकॉम और इनके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग वालों से टेक्निकल वालों से उनके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे फूड और इंजीनियरिंग से जो सिलेबस में होता है वो पूछा जाएगा, लेकिन पेपर वन सबके लिए कॉमन होगा। इन सबके लिए केवल पीजी हिंदी वालों के लिए 3 और 4 होता है। 4 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन होता है, और 3 में आपका होता है जनरल हिंदी। इसमें आ जाती है टोटल 120 क्वेश्चन होता है। इसमें हिंदी भी पूछता है और इसमें रीजनिंग भी पूछता है, मैथ्स भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, करंट भी पूछता है। 5 सेक्शन होते हैं। ये मैं आपको टोटल डिटेलिंग बता दिया हूं। तो ये आपका है पेपर वन, मैं यहां पे लिख दूं, है ना, आपको मैंने सारी चीज बता दिया है। पेपर वन होता है और पेपर वन में जीएस सबसे आसान है, सबसे आसान है। इसमें केवल आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और ज्योग्राफी, मतलब 3 आपको सब्जेक्ट पढ़ने, कोर एक पढ़ना है और आपको साइंस, एक जीएस कोर हो गया, एक आपका क्या हो गया साइंस हो गया, और एक आपका क्या हो गया करंट हो गया। तो आप अगर इसमें देखो 20 क्वेश्चन है, मतलब कि करीबन 5 क्वेश्चन करंट के पूछेगा, साफ साफ लिख दिया है, 5 क्वेश्चन करंट के पूछेगा और 20 क्वेश्चन में जीएस प्लस साइंस पूछेगा, तो 15 जीएस पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 ही सब्जेक्ट है। आप समझ लो 5 हिस्ट्री आएगा, 5 इकोनॉमिक्स आएगा, 5 आपका ज्योग्राफी आएगा, 5 आपका साइंस आएगा, 5 आपका करंट आएगा, तो 5 × 20 आपका ऐसे आएगा। मैथ्स में जनरल एप्टीट्यूड मतलब जनरल अरिथमेटिक पूछता है, रीजनिंग में बहुत बेसिक सी रीजनिंग पूछा जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में वही आपके जनरल जो इंग्लिश होता है, फिलर हो गया, है ना, फिर आपको सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। इसे आप क्या कर सकते हो। ऐसे ही क्या हो जाएगा पेपर टू, ये पेपर वन था। पेपर टू में क्या होता है, पेपर टू में बाकी सारी चीजें सेम होती है, तीन जो पार्ट है पेपर टू में वो सेम होता है ना। पेपर टू में जैसे आपका रीजनिंग तो होगा ही, मैं आपको इंग्लिश लिख दूं, इंग्लिश सेम होता है, आपका रीजनिंग भी सेम होता है, आपका मैथ्स भी सेम होता है। एक जो चौथा होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, और इसमें क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन 45 बढ़ जाते हैं, बाकी सब ये भी 25 ही रहेगा, ये भी 25 ही रहेगा, ये भी 25 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन जीएस में बढ़ जाएगा। 10 क्वेश्चन जीएस में बढ़ता कहां पे है, क्योंकि आप सभी लोग कंप्यूटर वाले बच्चे हो, तो आपके लिए बड़ी जबरदस्त वाली बात ये है कि आपको इसमें क्या हो जाता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, 5 नंबर यहां बढ़ता है, और यहाँ पे क्या होता है जनरल स्टडीज में इसमें 5 नंबर बढ़ा देता है, क्योंकि क्या बोला है कि इंडियन, ये हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये अप टू 10th लेवल तक 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप यहां से पूछेगा, 25 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, 10 क्वेश्चन आपका साइंस का हो जाएगा और 5 क्वेश्चन आपका करंट का हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हो जाएगा। तो आप ऐसे समझो 20 और 25 45 हो जाता है। तो कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे हो, आपने किसमें पढ़ा, एएससी आरओ में कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद आपने एएसआई में कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप यूपीपीएससी में कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो आप तो सारे कंप्यूटर वाले हो, आपके लिए तो ये 25 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फ्री हो गया, करंट आपका तैयार ही रहता है, बाकी जीएस में ज्यादा पूछता ही नहीं है, केवल आप हिस्ट्री तैयार करो, ज्योग्राफी तैयार करो और इकोनॉमिक्स तैयार करो, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसे कर सकते हो। ये पेपर टू है, ठीक है ना, और बाकी तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। 145 है टोटल, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं, 90 मिनट मिलता है। पेपर वन में आपको 60 मिनट मिलेगा, पेपर टू में आपको 90 मिनट मिलेगा। पेपर वन में आपका 1/4 निगेटिव होता है और फेज टू होता है निगेटिव नहीं होता है, पहले निगेटिव हुआ करते थे लेकिन इस बार से फेज टू में निगेटिव नहीं है, तो आप एकदम से तुक्का भी मार सकते हो बहुत आराम तरीके से। ऐसे ही देखा जाए तो यहां पे दिया हुआ है जो पेपर 3 और पेपर 4, तो पेपर 3 में इसमें क्या है, इसमें क्योंकि ये हिंदी वाले पोस्ट होते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी पूछ लेता है, ये अलग से पूछता है, और बाकी 20 कंप्यूटर इसमें तो बढ़ ही जाता है, तो टोटल 120 यहां पे भी होते हैं, हिंदी अलग से है, वहां पे टोटल कितना 120 क्वेश्चन वहां पे भी है, और वहां पे क्या कर रहे हैं कि जीएस वाले पार्ट को बढ़ा रहा है, यहां पे जीएस वाले पार्ट को बढ़ा नहीं रहा है। आप देखो तो कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन अलग से ये दे दिया है, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन यहां पे अलग से है, इंग्लिश भी 20 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग भी, और करंट अफेयर्स भी आपके कितने हैं 20 क्वेश्चन है। पेपर बाइलिंगुअल का होता है पेपर कैटेगरी 2 और 3 में। कैटेगरी 4 में आपके 3 लैंग्वेज में पेपर होंगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक पर रीजनल लैंग्वेज में भी, तो उसको मैं बताऊंगा। एक चीज बहुत ध्यान देना कि जितने भी पेपर होते हैं इसमें क्या होता है कि जो सेक्शनल टाइम होते हैं, मतलब कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को देने के लिए 20 मिनट ही मिलेंगे, आप सेक्शन स्किप नहीं कर सकते हो, एक सेक्शन खोल लिए तो 20 मिनट तक उसी सेक्शन में रहना पड़ेगा, जब 20 मिनट बीत जाएगा तब आप दूसरे सेक्शन में जाओगे, बाकी सेक्शन लॉक रहेंगे, तो इसका ध्यान देना। इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत अच्छी रणनीति चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी 2 महीने में पॉसिबल है नहीं, पर ट्रीम परीक्षा प्लस हर बार की तरह इस बार भी करके दिखाएगी और मैक्सिमम लोगों का चयन करा के दिखाएगी। हम अभी से इस पे पूरी टीम को झोंक दिए, पूरी टीम इसमें पूरा रिसर्च पे लग गई है कि कहां से प्रीवियस ईयर पेपर है, कहां से उठाता है, तैयारी क्या होनी चाहिए, इसके लिए कंटेंट क्या होनी चाहिए, दिन रात मेहनत कर रही है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं एमसीआई में। तो इसके कोर्सेज भी अभी आपसे, कोर्सेज तो मैं बोल रहा हूं कि 6-7 तारीख के बाद ही लॉन्च होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से ही चालू हो गए हैं और उसके ऑफर में भी आपको दिया जा रहा है, 3000 का बैच रखा गया
गया है, जबकि पेपर वन इवन फेज वन और फेज टू दोनों के लिए ही मात्र 799। मैं आपको बता दूं कोई भी संस्था इसमें 3000-4000 से इसकी फीस कम नहीं रख पाएगी, लेकिन फिर भी टीम परीक्षा प्लस हमेशा न्यूनतम शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता देने के प्रयास करती है। इस बार भी 799 में आपको इस समय ऑफर में ये कोर्स कंप्लीट कराएगी 2 महीने के अंतर्गत और आपका सिलेक्शन भी कराएगी। तो इसे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके विजिट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कहाँ पे जाना है, परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, या फिर जो नीचे चल रहे हैं नंबर इन पे आप कॉल कर लो, या कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट में हमें नंबर दे दो, उस पे हम आपको क्या कर देंगे, डिटेल दे देंगे। पेपर फोर जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, कैटेगरी टू की बात कर रहे हैं, इसमें आपका क्या होता है ट्रांसलेशन होता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। 30 मार्क्स का वन पैसेज आपका पूछेगा, ठीक है ना, और 30 मार्क्स का वन एस से प्रिसाइज राइटिंग पैसेज होगा और एस से आएगा आपका, है ना, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्टिव तो ये भी कंप्यूटर पर करना पड़ेगा, तो इसमें आपकी 40 वर्ड से ज़्यादा की स्पीड होनी चाहिए। अभी हम आते हैं कैटेगरी थ्री में। अच्छा, कट ऑफ देख लो, पेपर टू की जो कट ऑफ जाती है वो अभी 2018-19 की जो हुई थी इसमें जनरल की 75 गई थी, किसमें आउट ऑफ 100 गई थी, ये ध्यान देना। पेपर वन की बात कर रहा हूँ, फेज वन की बात कर रहा हूँ, और फेज टू में जो गई थी वो जनरल की 206 गई थी, कितने में से गई थी, 240 में से आउट ऑफ। तो ये बहुत बहुत हाई कट ऑफ नहीं है, उस बार पद भी थोड़े से, बहुत ज्यादा तो नहीं थे बट अच्छे थे, बट कम भी नहीं थे और बहुत ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन एवरेज पद थे। इस बार पद बढ़ेंगे तो ये कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पद कम रहते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, ये बात की बात है। ऐसे ही देखें तो कैटेगरी थ्री में सबसे ज्यादा जो बच्चों की डिमांड होती है कैटेगरी थ्री की होती है, और इसमें पद कौन कौन से होते हैं, जूनियर इंजीनियर के, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो मांगता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इंजीनियरिंग मांगता है। असिस्टेंट ग्रेड टू एजी टू, ये सबसे अच्छी एजी टू और एजी थ्री सबसे ज्यादा पद कहां होते हैं, एजी थ्री में होते हैं, और इसके जस्ट प्रमोशन बाद एजी टू मिलता है। इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी एजी टू लिया जा रहा है, हिंदी का है केवल। स्टेनो ग्रेड टू में आता है, इसके बाद आप प्रमोशन होकर ग्रेड वन में आ जाओगे, और ये बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। इसमें आप डायरेक्ट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कौन से होते हैं ज्वाइंट मैनेजर जो सबसे टॉप पे बैठा होता है, उनके आप स्टेनो बनोगे, उनके असिस्टेंट बनोगे, और सबकी आपकी पावर बहुत ज्यादा होती है, ग्रेड भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा पद है स्टेनो भी। टाइपिस्ट भी अच्छा पद है, इसमें आपको टाइपिंग इंग्लिश में ही करनी होगी, और टाइपिंग आपका मंगल पे इंस्क्रिप्ट पे या रेमिंगटन गेल, इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल दोनों पे ही मांग रहा है, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग के लिए। बाकी जो स्टेनो वाले हैं उनको क्या करना है, 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्टेनो होना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट का क्या होना चाहिए, आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। मैं बता दूं स्टेनो वाली हिंदी नहीं है, स्टेनो वाली इंग्लिश है, क्योंकि आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है। बाकी अकाउंटेंट का, टेक्निकल का, डीपो का, यहां पे भी पद बहुत ज्यादा आते हैं, तो करीबन 6-7 टाइप के पद यहां पे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद डीपो के आते हैं, आपके जनरल के आते हैं, और फिर आपके कौन सा था अकाउंट में भी अच्छे खासे पद होते हैं, एजी थ्री, डिपो, और आपका कौन सा होता है जनरल, ये 3 सबसे ज्यादा होते हैं पद, और इसमें आपके फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं, ये बात आप समझना। और इसमें मांगता भी सिंपल ग्रेजुएशन है, सबसे अच्छी बात है कि इन सारे पद के लिए सिंपल क्या मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है। केवल अकाउंट हो गया या जूनियर इंजीनियर वाले हो गए उसमें रेस्पेक्टिव, जेई वाले में क्या आपका डिप्लोमा या डिग्री मांगता है, डिग्री मांगता है या डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। अकाउंट वाले में आपको बीकॉम मांगता है प्लस आपका क्या मांगता है मैनेजर वाले में तो एमबीए मांगता है, लेकिन इसमें केवल बीकॉम मांगता है, है ना, और आपका बाकी सबके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, इतना समझना। टाइपिस्ट भी होता है, और एक केवल एजी टू हिंदी भी इस बार निकाला गया है। पे स्केल इसका है जेई का 11,100 से 29,950, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू का 99,25,530, एजी टू हिंदी का है 99,25,530, टाइपिस्ट हिंदी का है 93,22,940। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। पद इसमें आ रहे हैं 2,295 प्लस, तो बहुत अच्छा पद आ रहा है, इसके लिए आप लोग तैयार हो। इसमें भी टोटल मेन इतने पेपर 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, लेकिन किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल 2 पेपर से मतलब है, आपको केवल 1 पेपर से मतलब होना चाहिए पेपर 1। और इसमें भी सेम होता है, जो पेपर में 1 की जानकारी में अभी कैटेगरी 2 में दिया, सेम पेपर 1 यहाँ पे भी होता है, और ये फेज 1 में केवल पेपर 1 होगा, वो सभी के लिए कॉमन होगा। दोबारा फेज 2 होगा, 2 महीने बाद फेज 1 होगा, उसके बाद 3 महीने बाद आपका फेज 2 होगा। फेज 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में एक फिर से आपका वैसे ही होगा जैसे आपका कैसे होता है फेज 1 में होता है लगभग, और पेपर जो 2 होगा उसमें आपके रेस्पेक्टिव पेपर का पूछा जाएगा। इसमें 3, 4, 5 भी होते हैं, जैसे स्टेनो के लिए केवल पेपर 5 होता है। कारण क्या है, इसमें केवल 1 पेपर होगा, इसमें हिंदी भी पूछ लेगा, इसमें इंग्लिश भी पूछ लेगा, इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि ओ लेवल की अच्छा मांगता है, ओ लेवल आपका होना चाहिए स्टेनो के लिए, तो अगर ओ लेवल वाले हो तो कंप्यूटर की नॉलेज भी यहीं पे मांग लेता है, तो ये कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन मांगता है, इसलिए पेपर 3 अलग से, पेपर 5 अलग से करवा दिया गया। पेपर 1 कहां कहां पूछ रहा है, सिंपल डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए, ये आपको जूनियर वाले, जूनियर इंजीनियरिंग वाले हैं, या फिर आपका कौन सा है ग्रेजुएशन केवल मांगता है, एजी 3 जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, जनरल की सबसे ज्यादा आ रही है, डीपो की सबसे ज्यादा आ रही है, एफ आई पोस्ट है, इसमें केवल पेपर 1 होता है। तो पेपर 1 वाले पद केवल कौन से हैं, यहां पे एजी 2 है, एजी 3 भी है, इसी में शायद यहां पे लिखा नहीं है,
अकाउंट का केवल एजी टू जनरल और डीपो जो है कि उसमें पेपर वन मांगता है। ऐसे ही जो बीकॉम है अकाउंट वाले में इसमें पेपर वन और टू मांगता है अकाउंट वाले में और टेक्निकल वाले में। तो इसमें क्या होता है पेपर वन 120 नंबर का होता है 60 नंबर का आपका रेस्पेक्टिव का, जैसे अकाउंट वाले में बीकॉम से पूछ लेगा और टेक्निकल वाले में आपका बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग वाले से क्वेश्चन पूछ लेगा 60 नंबर का। बाकी जो आपका 3 और 4 है ये ग्रेजुएशन हिंदी, जैसे मैंने आपको कैटेगरी 2 में बताया, 3 में वही है आपका उसमें 120 पूछ लेता है, 20 हिंदी पूछ लेता है, 20 कंप्यूटर पूछ लेता है, 20 जीएस पूछ लेता है, और आपका पेपर 4 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग और आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। पेपर 5 आपका एक अलग से होता है, ये केवल स्टेनो के लिए होता है और इसमें एक ही पेपर होता है। सिमिलरली पेपर 1 की तरह होता है, इसमें कंप्यूटर अलग से पूछ लिया जाता है, पेपर 5 होता है। तो ये सारी जानकारी अलग से भी आपको अलग अलग पोस्ट पर बता दिया जाएगा। बाकी कट ऑफ देख लो तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, 65 नंबर आउट ऑफ 100 गया था, और ऐसे जब फेज 2 का गया था तो 73 नंबर गया था 120 में से पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आउट ऑफ 120 ये है, और यहाँ पे 60 मार्क्स डिसेबिलिटीज के लिए था। एजी 3 के लिए जो गया था वो 206 गया था, ये 240 में से आउट ऑफ गया था, ठीक है, ये आप कट ऑफ समझते हुए चलना। तो कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, आप सोच लो कि 120 में से अगर 73 नंबर जा रहा है तो बहुत कम जा रहा है, 62% जा रहा है, 7 6 42 है ना, 12 6 72, हाँ लगभग 60% जा रहा है, 60 से 65% ही आपका बन रहा है, वो आपका पेपर 1 में भी बनेगा, पेपर 2 में भी बनेगा। तो 60% से 65% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम के लिए करो। इस बार आपके 3 साल बाद हो रहे हैं तो बच्चे 3 साल से एकदम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, खूंखार बैठे हुए, गलाकाट प्रतियोगिता है, आप मेहनत करोगे तो आपका नंबर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये मैं आपको बता दिया। बाकी जो एफसीआई टाइपिस्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी, टाइपिस्ट के लिए आपका 23.33 गया था, मेल के लिए यहाँ पे देख लो एफसीआई कट ऑफ मार्क्स फॉर एसटी में प्रीवियस ईयर 2011 और भी कम जाती थी, तो पुराने का मतलब नहीं, तब पेपर भी अजीब टाइप का होता था, लोग भी बहुत कम जानते थे, जागरूकता नहीं थी, कट ऑफ बहुत कम जाता, लेकिन आप 2018-19 वाला देखो वो आपको मदद करेगा और उसमें 65% बनाए। इस बार 75% आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। कहाँ से तैयारी करनी है, परीक्षा प्रोसेस के लिए बहुत डेडिकेटेड कोर्स लेके आ रही है, वहाँ से आप तैयारी करनी है। बाकी सारी समग्र रूप से जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। कैटेगरी 4 में वॉचमैन का आता है, ये आपका जोन वाइज नहीं आता, रीजनल आता है, स्टेट वाइज आता है, बहुत अच्छा वैकेंसी आ रहा है। इसमें 2 टाइप का होता है, एक आपको 8वीं क्लास पे होता है, दूसरा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है। जो वॉचमैन होते हैं मतलब जो चौकीदार होते हैं, जैसे क्या होता है डिपो होता है, एफसीआई गोदाम होते हैं, तो उनकी रखवाली करने वाला कि इकट्ठा रखा है, पता लगे ये तो नहीं कि कोई बोरी उठा लेके चला गया है ना, तो वो बोरी का रखरखाव कर रहे हैं, कोई गेट खोल के ताड़ा तो छोड़ते, वॉचमैन का होता है। इसमें केवल बहुत जोड़ घटाना केवल पूछा जाता है, तो अगर आप 5वीं पास हो तो इस पे भी हो सकते हो, और अगर आप 8वीं पास हो तो आपको परमानेंट जॉब पे भी वॉचमैन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे पद आ रहे हैं, इसमें भी करीबन 2100-2200 केवल नॉर्थ जोन की बात बता रहा हूं, अगर 5 जोन मिला लोगे तो इसमें भी 10,000 पद लगभग जा रहे हैं, ये बात समझना। तो अल्टीमेटली एफसीआई में लगभग 10,000 प्लस पद हो सकते हैं अगर ये केवल नॉर्थ जोन का अधियाचन मिला है, बाकी जोन का आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं केवल नॉर्थ जोन से ही, ओनली नॉर्थ जोन, केवल नॉर्थ जोन से ही 4500 पद का खाका आपके सामने रखा हुआ है। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ, बहुत अच्छे पद आ रहे हैं, सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपकी तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छे पद है, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा प्रमोशन है। मैं आपको बता दूं इसका सिलेक्शन चरण होता कैसे है, 3 में एक आपका रिटन एग्जाम होगा लास्ट में, बस इतना ही बता दे रहा हूं, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, और तीसरा आपका क्या होगा ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग क्या होता है, 6 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है, इसमें आपको केवल स्टाइपेंड मिलते हैं 40,000 के बेस पे के आधार पे। रिटन में आपको पेपर 1 पेपर 2 मैंने समझा दिया, यहां से आपका 80% वेटेज लिया जाता है, इंटरव्यू में आपका 10% वेटेज लिया जाता है, और ट्रेनिंग में भी 10% वेटेज लिया जाता है। अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी 10% में अगर स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आप वहां से भी क्या हो सकते हो, बाहर हो सकते हो या डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। हालांकि मेरिट यहां पे जितने टोटल 15 गुना बच्चे फेज 2 के लिए बुलाए जाते हैं, जितने फॉर्म भरते हैं उसके 15 गुना किसमें जाते हैं, फेज 2 में जाते हैं, ये ध्यान देना, ये फेज 2 में जाते हैं, और जितना इसमें पास होते हैं उसके 3 गुना कितने जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं। तो इन टोटल पोस्ट के 3 गुना इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं, टोटल पोस्ट का 15 गुना फेज 2 में बुलाए जाते हैं, और सभी के सभी एप्लीकेंट फेज 1 में बुलाए जाते हैं। इसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती है, हिंदी वाले पोस्ट के लिए ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है, बाकी सभी के लिए आपको स्पेशली ट्रेनिंग मांगता है, और ट्रेनिंग में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। अगर यहाँ पे किसी कारणवश आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देता है, वहाँ पे आप बैकलॉग की वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं, कोई निकाला नहीं जाता है, ये केवल बोला जाता है, लिखने को कुछ भी लिख दे, सब लोग इसमें नौकरी करते हैं, अच्छा खासा नौकरी करते हैं। तो ये वेटेज आपका 3 ऐसा है। इंटरव्यू भी आपका जनरल होता है, जनरल इंटरव्यू होता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जो आपका कैटेगरी 4 होता है उसमें आपका फिजिकल भी होता है, रनिंग होता है 1000 मीटर का, 800 मीटर का, अलग अलग कैटेगरी का, ऐसे ही आपका लॉन्ग जंप होता है, तो वो आपको अलग से जब कैटेगरी 4 की वैकेंसी आएगी बता दिया जाएगा। अभी आप इतना समझो, और आप इतना मैं आपको बता दूं कि आज ही परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, परीक्षा प्लस ऐप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वरना आप हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में जो भी आपको छोटे से लेकर सुई से लेकर भाला तक जो भी जानकारी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछो, सारी चीज आपको बताएंगे, कमेंट आप कर सकते हो। तीसरी बात, आपको नंबर दिया गया है 9129970780 या फिर 9495006007, इन किसी भी नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आपको कोई भी जानकारी है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, चाहे आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी आप कोई भी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हो, पूरा बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सेशन पसंद आए तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों अपने अनुजों के साथ शेयर भी कर दो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।